इस वक्त हमारे साथ है डिप्टी कंट्रोलर प्रयागराज। हम इन महोदय से जानना चाहेंगे कि आखिर ये सिविल डिफेंस की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे तो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। सर पहले अपना परिचय दे दें। थैंक यू। ओंकार शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस प्रयागराज। आपने प्रश्न किया है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। 1962 में चाइना अटैक के बाद जो इंटरनल डिजास्टर हुआ, जो इंटरनल ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें यह एहसास किया गया कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जाए। तो 6 दिसंबर 1962 को इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रादुर्भाव हुआ और तब से लेकर के अब तक 58 वर्ष पूरे कर चुके हैं हम। इन 58 वर्षों में 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 71-72 और उसके बाद कारगिल और अनवरत ऐसी डिजास्टर हुए हैं कि जिनमें सिविल डिफेंस ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये सिविल डिफेंस हमारा जो इस समय 75 जिले हैं या 72 जिले, उसमें न होकर के मात्र 14 डिस्ट्रिक्ट में है और ये टाउन लेवल पे है। प्रचार प्रसार इसका आदेश मिल चुका है, जिले स्तर पे इसका वो किया जाए, लेकिन एक इसका पॉपुलेशन बेस्ड है, इसलिए अभी इसका हम रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन एरिया में जितना भी हमारा क्षेत्र आता है उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। और ये विशेषता इसकी ये है कि जितने भी विभाग हैं सब में काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग लगे हुए हैं इनको कोई मानदेय या कोई कुछ नहीं दिया जाता है, जो भी दायित्व दिया जाता है। और सफल हम इसलिए होते हैं क्योंकि ये उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लोकल। जैसे वर्तमान समय में ये कोविड 30 मार्च से शुरू हुआ, आपका 22-23 मार्च से शुरू हुआ और 30 मार्च से हम लोग एक्टिव हो गए, 21-22 मार्च से ट्रेनिंग देने के बाद। इसकी सफलता का राज ये रहा कि हर क्षेत्र में प्रत्येक 4,000 की आबादी पे एक सेक्टर है, 5 सेक्टर पे एक पोस्ट बनाते हैं, फिर 10 पोस्टों पे एक प्रखंड बनाते हैं और एक प्रखंड में करीब 2 लाख हमारी पॉपुलेशन होती है। तो इस तरीके से यहाँ 5 प्रखंड हैं और 5ों प्रखंडों के डिवीज़न वार्डन अलग अलग बने हुए हैं, फिर उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए पूरे टाउन लेवल पे हमारे चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन होते हैं। इसमें कई ऐसे पदाधिकारी होते हैं कि जिनका मैं क्रम से आपको नाम दे रहा हूँ, चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, डिविजनल वार्डन, डिप्टी डिविजनल वार्डन, ICO, स्टाफ ऑफिसर, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन और फिर इसमें रिजर्व भी रख के ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा चलाया जाता है। और आज तक मुझे इतने प्लेटफॉर्म यहाँ बने हैं, हर जगह पे कहीं कहीं कुछ मिलता है व्यक्तियों को, यही एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हमको तन मन धन से कैश और काइन यहाँ तो सहयोग देते रहते हैं हमको और इनकी सेवाओं को हम सलूट करते हैं। और आप आए, इस चीज़ को आपने हमसे प्रश्न किया तो मैं आपने आपको संक्षिप्त रूप में बताया है, यदि अगर और आप कोई जानकारी चाहते हैं तो 2 मिनट समय। तो जो मेरा मकसद था वो आप समझ गए होंगे कि ये जो सिविल डिफेंस का जो उत्पत्ति हुई है ये आपातकाल में हुई, जब युद्ध हुआ चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो हमारे भारत के अंदर कोई दिक्कत ना हो तो ये स्वयं सेवक आकर लोगों की मदद किया करते थे। जैसा कभी कोरोना काल में भी एक महामारी का दौर चल रहा था, उस वक्त भी ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया था इनको, ये क्षेत्र में निकले हैं लोगों को राशन पानी की व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था, लोगों में मास्क बांटना। कहने का मतलब है कि ये स्वयं सेवक जैसे किरदार लिए हुए लोग होते हैं, ये अवैतनिक होते हैं, इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, ये खुले मन से हर क्षेत्र के लोग होते हैं, ये आते हैं और देश की सेवा में अपना जो भी हो सकता है वो करते हैं। जिलाधिकारी महोदय जी, एक बार जोरदार तालियों से अपने मुख्य अतिथि को ध्वजारोहण जो आज सिविल डिफेंस डे के दिन होने जा रहा है, सब लोग शांतिपूर्वक मराठा
आज के दिन का जो हम लोगों को वार्डन्स को मुख्यतिथि महोदय के द्वारा जो जिलाधिकारी भी हैं और हमारे सौभाग्य है कि हम सब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का कि वो हमारे नियंत्रक भी हैं। सुरक्षा संगठन प्रयागराज, नागरिक सुरक्षा संगठन प्रयागराज, आज दिनांक 6 दिसंबर 2020 को, आज दिनांक 6 दिसंबर 2020 को 58वें नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, 58वें नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यह शपथ लेते हैं कि हम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 तथा उसमें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाए गए नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं अन्य समस्त नियमों विनियमों शासनादेशों निदेशालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो नागरिक सुरक्षा संगठन के गौरवशाली इतिहास पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले। जय हिंद। जय हिंद। 58th रेजिंग डे ऑन December 6, 2020 मेंबर्स ऑफ द सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हैव अपहेल्ड द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ वॉलंटरी वर्क इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आई एम श्योर दैट बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस विल कीप अप दीज ट्रेडिशंस एंड सर्व द कम्युनिटी विद केयर सर्विसिंग एंड डेडिकेशन इन द कमिंग ईयर्स। On the occasion of their 58th raising day, I extend my greetings and good wishes to all the members of the civil defense and home guards and their families and wish the organization's every success in the times to come. The civil defense ka jo samaroh hai, iske liye Pradhan Mantri ji ka bhi message aaya hua hai. It is a pleasure to learn about the 58th annual day of civil defense and home guard on December 6, 2020. Displaying utmost dedication and professionalism, organizations like Civil Defense and Home Guards have been untiring in their efforts towards nation building. जिला अधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्मृति चिन्ह देके जो सर ये इधर 30 मार्च के बाद सर जो कोरोना का पीरियड चला नहीं गई सर, मोहल्ला सुरक्षा समित उसके माध्यम से जो नगर निगम के 80 वार्ड हैं उसमें सर हमारे वार्डन सेवा के पदाधिकारियों ने बहुत ही सहयोग से बड़े ही मनोयोग से जो आपको बताना आवश्यक होगा क्योंकि हमने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संदेश आपको पढ़ाया था उसके बाद आज इस 58वें नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक आइडियल सिटीजन की भूमिका में आते हैं जो सर जो न सिर्फ अपनी परवाह करता है, अपने आस पास पड़ोस की परवाह करता है, अपने राष्ट्र के देश के निर्माण की बात करता है, छोटी सी छोटी चीज़ों को लेकर के किस तरह से बड़ी बात होती है, बड़ी चीज़ें निकल करके आती हैं। मेरे सहकर्मी आदरणीय DI साहब, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित चीफ वार्डन अनिल जी, डिप्टी चीफ वार्डन सादिक साहब और लेडी विंग से उपस्थित अमर संध्या जी, साथ में हमारे डिप्टी कंट्रोलर ओंकार शर्मा जी और इस कार्यक्रम में सम्मुख उपस्थित सिविल डिफेंस के हमारे तमाम पदाधिकारीगण और हमारे कैडेट्स, आज हम अपने 58वें रेजिंग डे के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अभी जैसा कि अनिल जी ने भी बताया कि इसे सिविल डिफेंस की सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रिकॉग्निशन मिल रहा है और ये आज से ही नहीं बहुत लंबे समय से बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन सिविल डिफेंस करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कैडेट्स, हमारे पदाधिकारीगण बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से लगातार लगे रहते हैं और जो भी सोशल कॉज होता है, जो भी ऐसी आवश्यकता होती है जहां आपको याद किया जाता है, आप बिना किसी अपेक्षा के वहां हमें उपस्थित मिलते हैं। एक दो वाक्य मैं जरूर बताना चाहूँगा। अभी जब कोविड काल में
चारों लॉकडाउन था और हम लोग भ्रमण पर निकलते थे, तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी चौक चौराहों पर निकलते थे और उनसे जब मैं पूछता था कि क्या स्थिति है, लॉकडाउन पूरी तरह लागू है, तो एकदम बताते पूरी मुस्तैदी से लागू है। तो वो उपस्थिति वहाँ देखी जा सकती थी लोगों को समझाने में, ताकि कोई आदमी कष्ट में ना हो, जिनकी स्वास्थ्य खराब है, जिनकी तबीयत खराब है, ऐसे लोगों को तक संपर्क बनाने में, भोजन पहुँचाने में आपने जो रोल अपना प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे सोसाइटी के लिए अविस्मरणीय रहेगा। इसको पूरा समाज, पूरा देश, पूरा जनपद, पूरा शहर इस चीज़ को कभी नकार नहीं सकता है, इसको कभी भुला नहीं सकता है। लेकिन बहाव और गति जो है जीवन का नियम है और हमेशा प्रशस्ति उसी को मिलती है और रिकॉग्निशन उसी को मिलता है जो अपने कार्य में एक निरंतरता बनाए रखे। वह निरंतरता आपके कार्य में अभी तक देखी गई है इसमें, और भी जैसा लास्ट टाइम मैंने कहा था कि पिछले कार्यक्रम में भी मैं यहाँ पर आया था, आपके कार्यक्रम मैंने शिरकत की थी और उस समय मैंने अपेक्षा की थी कि इसको मोहल्लेवार बहुत गहरी पकड़ के साथ इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष से इस वर्ष तक इसमें काफ़ी काम हुआ भी है और सुधार की गुंजाइश किसी भी संगठन में हमेशा होती है, वह आवश्यकता अभी भी है और उसको यथार्थ में तब्दील करने में हमारे तमाम पदाधिकारीगण लगे हुए हैं। इससे पहले जब CA और NRC के संबंध में तमाम यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय भी आप लोगों ने बखूबी अपना रोल प्ले किया और मैं समझता हूँ कि विभिन्न जो बड़े ज़िले हैं, बड़े शहर हैं, उनमें प्रयागराज ही एकमात्र ऐसा ज़िला रहा जिसमें आप सभी लोगों के प्रयास से हम लोगों ने पूरे इस धरना प्रदर्शन विरोध के कार्यक्रम को बहुत शांतिपूर्वक और सुकुशल निकलवाया। एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर था, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन सामाजिक समरसता को बनाए रखने में, उसे न बिगड़ने देने में आपने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं कहना चाहूँगा कि वह प्रशंसनीय है और वह भी लंबे समय तक आप और हम उसको अपनी उपलब्धियों के रूप में बताते रहेंगे। यह एक टीम वर्क का ही परिणाम था जो इतने अच्छे ढंग से हमारे सामने निकल कर आया और आपकी जो उपस्थिति है यह लोगों के बीच हमेशा फील होती रहे, ऐसी मैं यहाँ अपेक्षा भी करूँगा, इस चीज़ की शुभकामना भी दूँगा। जो संस्था जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वैसे ही उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोग भी पैदा होते जाते हैं। तो संस्था के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब सदस्यता ग्रहण करवाए, नए लोगों को शामिल करें तो अच्छी छवि के लोगों को जोड़े, क्योंकि प्रतिष्ठित संस्था से नाम जोड़ने के लिए हर आदमी आतुर होता है कि हमारा भी नाम जुड़े। तो जो एक्टिव हों और जो बहुत साफ सुथरी छवि के लोग हों उनको ही जोड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। इस मंच से अच्छी बातें बताने के साथ, चूँकि मैं जिलाधिकारी की भूमिका में आपके सामने खड़ा हूँ, एक दो नसीहत भी मैं ज़रूर देना चाहूँगा। पिछली बार एक दो सज्जन, हालांकि उनकी स्थिति अब दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए इंस्टीट्यूशन मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि संस्था का नाम लेकर अगर अपने निजी हित कोई व्यक्ति साधने की कोशिश करेगा तो उसे संस्था से बाहर भी किया जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी किया गया। चाहे वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन संस्था का नाम लेकर निजी हित साधने और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि देश महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है और संस्था महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूशन का नाम महत्वपूर्ण है। अगर इंस्टीट्यूशन है तभी आपको और हमको सभी को रिकॉग्निशन मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो इसके साथ अपनी निष्ठा को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों को अपनी निष्ठा जो इस संस्था से जुड़े हैं, सिविल डिफेंस, इसके साथ बनाए रखना आवश्यक है और देश और राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना जो है वह हर परिस्थिति में सर्वोपरि होनी चाहिए। वह किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल के प्रति या किसी अन्य के प्रति नहीं हो सकती है। वह जब भी होगी देश के प्रति होगी, कानून के प्रति होगी, संविधान के प्रति होगी, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होगी। तो मैं इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में फिर से आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। जिन लोगों को पदक मिले हैं, जिनको इस चीज़ का रिकॉग्निशन अलग से मिला है, उनको मेरी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सिविल डिफेंस जो है, हम लोग जितने भी त्यौहार हैं और कोई भी प्रोग्राम होता है शासन का, प्रशासन का, अभी कोविड का हुआ था, इसमें ड्यूटी किया जाता है, हम लोग इसमें पूरा हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये हमारी एक पोस्ट होती है, एक डिवीज़न में 10 पोस्टें होती है, जिसमें से हम वहाँ के 9 सिविल लाइन्स डिवीज़न के पोस्ट वार्डन हैं, 9 के। और ये जो आज स्थापना दिवस है, 6 दिसंबर 1962 में जब चाइना वार हुआ था यहाँ से, उसके बाद 6 दिसंबर 1965 को सिविल डिफेंस का गठन किया गया है। तो यहाँ पर कंट्रोलर जो है, ये DM होते हैं, और डिप्टी कंट्रोलर इसके अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे और भी डिपार्टमेंट पे हैं, ADM होते हैं, ADM फाइनेंस है, ADM रूरल है, ADM RA है, तो इसी तरह ADM सिविल डिफेंस भी होता है, इसका अलग डिप्टी कंट्रोलर होता है। और फिर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वार्डन के उस पर, तो ये जो है जैसे इसके वो होते हैं चीफ वार्डन हैं, चीफ वार्डन हमारे अनिल जी हैं, और फिर डिप्टी चीफ वार्डन सादिक हुसैन सिद्दीकी हैं, उसके बाद फिर डिविजनल वार्डन होते हैं। डिविजनल वार्डन एक डिवीज़न का 10 पोस्ट होती है, तो उसको वो देखते हैं डिविजनल वार्डन। उसके बाद फिर डिप्टी डिविजनल वार्डन होते हैं, ICO होते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट वार्डन होते हैं। इसका ये है सिस्टम। टोटल इस वक्त एक पोस्ट में 140 लोग रहते हैं, तो 10-1400 करीब इस वक्त 1500 होंगे पूरा टोटल। हाँ, स्ट्रेंथ है इसकी। परम आदरणीय श्री भानु गोस्वामी जी, जिलाधिकारी प्रयागराज एवं कंट्रोलर नागरिक सुरक्षा, हमारे SSP साहब सर्वश्रेष्ठ जी, अनिल कुमार जी चीफ वार्डन, ओमकार शर्मा जी हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब, ऐसे जो हैं वो मौक़ों को और ढूंढें जहां पर वो समझते हैं कि सिविल डिफेंस काम कर सकती है। तो सिविल डिफेंस की जो स्पिरिट है, जो ताकत है, जो आपकी तरफ जो है उनकी प्रतिबद्धता है, उससे मैं इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि हम लोग और नई नई जगहों पर अपना कार्य करके और उनसे अपेक्षित रिजल्ट देने के लिए बहुत ही उत्साह है। सच में ये बता रहा है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन क्योंकि सिविल डिफेंस हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार के हमारे